कि आप लोग एकदम सही से होंगे। और अभी हमारे पास एक बच्चा आया जो कि इंटरव्यू 6 एंट्रेंस के इंटरव्यू दे के आया है और बड़ा कॉन्फिडेंट है। अभी पता नहीं, अब ये खुद बताएगा कि इतना कॉन्फिडेंस इसके पास आया कहाँ से। जब ये पहली बार हमारे पास इंटरव्यू देने आया था तो ये कॉन्फिडेंस शायद अपने घर छोड़ के आया था, और आज जब ये इंटरव्यू दे के आया है तो हम आपसे मुलाकात करने आया और अपने व्यूज बताना चाहता है। तो मैं चाह रहा हूँ कि आप भी वो व्यूज। क्या नाम है आपका? माय नेम इज मोहम्मद फैजान। तो फैजान, कब आए थे आप हमारे पास इंटरव्यू करने? सर, यहाँ पे 2 दिन पहले आया था। 2 दिन पहले आए थे तो आपने सारे स्टेजेस दिए जी। तो पहले स्टेज में कितने मार्क्स थे आपके? 11। उसके बाद 12। उसके बाद स्टेज 3 में 15। स्टेज 4 में मतलब 15 आउट ऑफ 15 आपने फोड़ा था, और सच में कॉन्फिडेंट दिख रहा है आपको। तो वहाँ पे आज जब आप इंटरव्यू देने गए तो आपको वहाँ पे इंटरव्यू में क्या क्या कैसा लगा आपको? पहले कॉन्फिडेंट थे कि नहीं आप? सर, कॉन्फिडेंट थे क्योंकि यहाँ पे प्रैक्टिस बहुत अच्छी हो गई थी और वहाँ पे एकदम फोड़ के आ गया एकदम। तो लगता है कि आपको एकदम पक्का सिलेक्शन हो जाएगा? सर, इंशाल्लाह लगता है। इंशाल्लाह लगता है, बिल्कुल। आपको यहाँ के बारे में कैसे पता चला? सर, यहाँ के बारे में यूट्यूब पे मैंने वीडियो देखा था नवाब सर का। अच्छा, तो वहाँ पता चला कि यहाँ पे इंटरव्यू की तैयारी कराई जा रही है। चलिए, बेस्ट ऑफ लक आपके फ्यूचर के लिए। जरा ना मैं इनके अब्बा का भी व्यूज ले लूँ ना, इसके फादर का क्या व्यूज है हमारे इस प्रिपरेशन जो भी हम लोगों ने जिस अंदाज में करवाया है, उनको कैसा फील हो रहा है? उनका बच्चा इतना अच्छे से कॉन्फिडेंट होके इंटरव्यू दे के आया है, तो जरा उनके पेरेंट्स से भी मिलते हैं कि उनका क्या व्यू है। तो आप फैजान के फादर हुए ना? यस यस। तो आपको यहाँ के बारे में कैसे पता चला? यहाँ के बारे में यूट्यूब वीडियो से पता चला, और फिर अरशद इकबाल हैं बेतिया में, उन्होंने आपके बारे में बताया था, आप इंस्टीट्यूशन के बारे में। अच्छा, कि हम लोग तैयारी करवा रहे हैं इस तरह से। तो आपको लग रहा है कि हम लोगों ने जिस अंदाज में प्रिपरेशन कराया, बच्चा एकदम सच में प्रिपेयर होके गया? बिल्कुल बिल्कुल सर, मैं 2 दिन पहले यहाँ आया था और बच्चे को स्टेज वाइज आपने तैयार किया और बच्चे में हमने देखा कि इम्प्रूवमेंट होता गया, वो कॉन्फिडेंट होता गया, और आज माशाल्लाह इंटरव्यू भी बहुत अच्छे से देखा है। अच्छे से देखा है। इसमें आप लोगों की बड़ी मेहनत है, मैं इसके लिए आप लोगों को थैंक्स बोलता हूँ। बहुत बहुत शुक्रिया।